बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल लाइव विद सेबी काज़मी। नाज़रीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की एक अपडेट आपके सामने रखता हूं। वो DGISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अब उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाइना भी फुल एक्शन में है। चाइना ने लद्दाख में अपने बैठे हुए बैकअप में फौजी वापस बुला ली और भारतीय मीडिया ने खुश होने की बजाय अफसोस करना, रोना शुरू कर दिया। चीन की भारत की सरहदों के पास ये तैनाती शुरू होगी। भारतीय मीडिया ने शोर शराबा मचाया, लेकिन आखिर होने क्या जा रहा है? क्या वाकई भारत लद्दाख को कोई और बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है? आखिर बैकअप फौजियों को बुलाने का असल मकसद क्या है? ये तमाम तफसीलात आप जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। ऊंची हवाओं में उड़ने वाला भारत इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि मोदी ने इसराइल से ऐसे जदीद हथियार मंगवाए जो एक ही झटके में 10 से 12 ड्रोन्स मार गिराने की सलाहियत रखते थे, इसीलिए वो ऊंची हवाओं में थे। लेकिन आज से कुछ रोज़ कबल जब ये खबर आई कि चीन ने पाकिस्तान को भारत की निगरानी के लिए जदीद ड्रोन्स दिए और ये ड्रोन्स फुर्तीले भी हैं और इंसानी रडार पर नज़र भी नहीं आते, इसलिए ये रडार अगर भारतीय इलाके के ऊपर उड़े तो उनका ताकुब करना आसान नहीं होगा। तो मोदी साहब ने इन ड्रोन से निमटने के लिए इसराइल से हंगामी तौर पर फिर हथियार मंगवाए। अब इसराइल ने खास तौर पर यह हथियार ड्रोन को टारगेट करने के लिए तैयार किए स्पेशल तौर पर। इस खबर के मुताबिक जो मोदी साहब ने अपनी फौज को साथ जारी ये हुक्म किया कि अब तैयार रहें कि जैसे ही ये हथियार मिलेंगे इन्हें हम फौरन दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए टेस्ट करें। अब पाकिस्तानी फौज के तर्जमान DGISPR ने भी आज इसी हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत इन कोशिशों में है कि वो कोई बड़ा कारनामा कर दिखाए, वो अपनी आवाम को कुछ करके दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास जो है इस वक्त भारत को कोई बड़ा सरप्राइज़ वो हमें जो देना चाहते हैं उसका जवाब होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमले की अगर कोशिश की तो हम इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये हमेशा पछताएंगे। लेकिन यहाँ पर मज़े की एक बात यह है कि भारत को टैकल करने के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी फुल एक्शन में आ गया। जी बिल्कुल, उसमें भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ताज़ा तरीन खबर है कि चीन ने लद्दाख के जो डेप्थ एरियाज हैं वहाँ से फौजियों को बड़ी तादाद में पीछे हटा लिया, लेकिन फ्रंट लाइन पर फौजी जो हैं वो ताज़ा दम दस्ते अभी मौजूद हैं, उनके वहाँ से हटने का कोई जो है इम्कान फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। भारतीय अखबार ने दावा किया कि चीन ने करीबन 10,000 के करीब अपने फौजियों को ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एरिया से हटाने। अब ये देखें, ये जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एरियाज भारतीय हदूद के 150 किलोमीटर की रेंज में है, ये याद रखिएगा आप। अब चीन ने भारतीय फौज को ये सबक सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जो हैवी विजनरी मशीनरी मंगाई गई थी वो भी अभी इसी एरिया में रखी हुई। भारतीय अखबार ने दावा किया कि हो सकता है कि चीन सर्दी की वजह से वहाँ से हटाए हों लोग, क्योंकि इस वक्त आपको पता है लद्दाख में शदीद सर्दी है और फौजियों के लिए चाहे वो किस तरफ को भी मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन भारत के चंद मीडिया चैनल्स का ये भी दावा है कि चीन सर्दी की वजह से नहीं बल्कि अपनी चाल की वजह से आपको जैसे लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, ये वो काम किया। अब फ्रंट लाइन पर चीन ने जो फौजी तैनात कर रखे हैं अपने, वहाँ से वो जो एक मतलब ट्रेंड है कि वो सर्दी का मुकाबला कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ छोड़ा हुआ है। अब भारत की फौज को इस वक्त सबसे ज़्यादा टफ टाइम भी वही दे रहे हैं, लेकिन पीछे बैकअप पर जो फौजी बैठे हुए थे वो कोई काम कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। लेकिन अंदरूनी ज़राए के मुताबिक चाइना के जो एक बड़ा मनसूबा है कि इन फौजियों को भारत की जो दीगर सरहदें हैं उनके करीब भेज दिया। अब ये ज़रा गेम प्लान देखें, वहाँ से हटे इधर लगाए। क्यों? चीन ने फैसला किया है कि वो भारत को किसी भी जगह से आगे उठने नहीं देंगे, इसीलिए वो हर मुमकिन जंग में अपनी पोजीशन को इतना मजबूत करें कि जहां जहां से हिंदुस्तान को एज मिलने का खदशा हो। इन इकदाम से साफ नज़र आ रहा है, इतनी बड़ी जो मूवमेंट है कि कोई बड़ा मार्का है उसकी तैयारी ज़रूर हो रही है। वो भारत को कोई मतलब किसी पॉइंट पर आगे जाने नहीं देना चाहते। फौजी रवाना करके चीन ने भारत को मतलब साफ अल्फाज में ये कहा है कि अब आप सीधे हो जाइए। अब अगर आप देखें कि भारत के मीडिया चैनल्स हैं उनकी ये खबर आई तो इस चीज़ की वो पहले खुशियां मना रहे थे कि चीन डर गया जी फौजी वापस चलेगी, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि ये फौजी हट के तो सरहद के उस तरफ लग गए हैं तो उनकी परेशानी अब जो देखने के काबिल।
और हकीकत भी ये है कि चीन जो है वो भारत को ऐसी चोट लगाना चाहता है कि ताकि वो मतलब एक अरसे तक उन्हें याद रहे और उसको दोबारा वो सोचे भी ना कि लद्दाख तो उनके हाथ से चला गया, अब जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी चीन आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर इन इलाकों में वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर गए जहाँ पर उन्होंने अभी फौज लगा दी है अपनी, तो फिर आप ये भूल जाएं कि आप चाइना को कभी रोक सकें, क्योंकि चाइना शुरू से इस मौके के इंतज़ार में था और उनका असल मकसद ये है कि किसी तरह इसको शिकंजे को इतना बड़ा कर लिया जाए कि खुद ब खुद वो सारा आपके सामने सिमट कर एक प्लेट में आपके सामने आ जाए। अब इस वक्त जो है वो भारत के जेहन में किस कदर सवार हो चुके हैं उसका अंदाज़ा आप एक छोटी सी मिसाल से लगाएं कि चीन का एक फौजी गलती से भारतीय हदूद में चला गया तो वहाँ पर उसको चाइना ने मतलब भारत को जो है तड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि आप बुझाइए को रिक्वेस्ट करते हैं हमारा फौजी वापस करें। उन्होंने कहा कि दिन चढ़ने से पहले अगर ये हमारा फौजी वापस ना आया तो हमने आपकी जो हालत करनी है वो दुनिया देखेगी। और आप ये देखें कि अगले दिन चढ़ने से पहले वो चीन का फौजी चला गया। अब ये मामला जो है वो इनके जो अभिनंदन वाला नहीं है, डिफरेंट गेम कम्प्लीटली। तो ये एक साफ मैसेज है कि इस वक्त मोदी जो हैं वो चीन के सामने बिल्कुल बेबस हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर चीन और भारत के पास ये मार्का जो है ये किस रुख जाता है। अब ये तो क्योंकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये किस रुख जाएगा, क्योंकि फौजी हैं या पता नहीं किस तरह ये स्टार्ट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस वक्त कमर कस चुका है। पाकिस्तान फौज जो है वो पहले से हाई अलर्ट पर बैठी हुई है। अब उन्हें सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल चाहिए और जू ही उन्हें ये मतलब इस तरह का कोई खदशा होता है तो वो यकीन करें चाड़े दौड़ेंगे। और ये DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था कि आपने कोई गलती की तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर आप देखें कि इन हालात में जिसमें मतलब इस वक्त कोरोना ने पहले ही भारत की इकोनॉमी का जो है वो तकरीबन दिवालिया निकल चुका है और वो जो रही सही कसर है वो इनके जो हवारी हैं उन्होंने करप्शन कर करके निकाल दी है। वहाँ पर हालात करप्शन के बहुत बुरे हैं। अवाम की रिलीफ के लिए जो पैसा रखा गया था वो इनके जो सियासी लोग हैं वो उन्होंने अपने बैंकों में डाल दिए। अब इससे उनकी इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे तबाही की तरफ जा रही है। तो इसीलिए अगर ये वो समझते हैं कि धमकियां देकर और बड़कियाँ देकर वो जंगी इस तरह की जीत जाएंगे तो इनका नुकसान है बहुत बड़ा, क्योंकि दुनिया के हालात अब बदल चुके हैं। ये समझना होगा कि जंग किसी मसले का अब हल नहीं रहा और पाकिस्तान भी देखिए अब वैसा नहीं रहा जैसा इनको पहले नज़र आता था। वो अब इकॉनमी के हिसाब से देख लें, आप इनकी जो मुझे फौजी पावर देख लें और सबसे बढ़कर इस खिते के हालात देखें कि अगर अल्लाह ना करे जंग ये चढ़ जाती है शुरू हो जाती है तो चाइना तो आपको पता है भरपूर पाकिस्तान का साथ देगा और रूस भी भारत अब जो पहले उनकी हमायत करता नहीं करता। तो ऐसे में इन्हें अपने दरीना जो दोस्त हैं इनका इसराइल के अलावा या अमेरिका की थोड़ी बहुत मदद के अलावा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जितना तसादम से दूर रहें और जंग की कोशिश की तरफ ना जाएं, आपस में अमन से रहें, लड़ें और लड़ना है कोरोना से लड़ें आप उसको हराएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। काइंडली लाइक शेयर और अपने कॉमेंट्स जरूर दीजिए।